हेलो हेलो, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार इंडिया टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूँ जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है। हमारा कार्यक्रम आप पहुंचा है जौनपुर की शाहगंज विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि ये सपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, पिछले 3 बार से लगातार इसे सपा जीतती आ रही है। क्या इस बार बदलाव होगा, ये पब्लिक है सब जानती है, जानेंगे उनसे कि क्या है जनता के मन में, क्योंकि पिछले 5 साल में कुछ विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जनता से बात करेंगे, जानेंगे उनसे मुद्दे क्या रहने वाले चुनावों में, क्योंकि जब जनता वोट डालने जाती है तो जहन में क्या मुद्दे रहते हैं, किस आधार पर वोटिंग करेगी, क्या कामकाज उनके लिए आधार रहेगा या विधायक का चेहरा या पार्टी, सभी से खुलकर बात करेंगे, जानेंगे उनसे उनके मन में क्या है, क्योंकि ये पब्लिक है सब जानती है, चलते हैं जनता के पास। सबसे पहले महिला से बात करते हैं, महिला यहाँ पर खड़ी हैं। मैडम आपसे बात करना चाहूँगा, 5 साल में शाहगंज में कुछ बदला है? नहीं, अभी तो इस जो यूपी सरकार आई उसमें तो हमारे सड़क और बिजली हमें मिली है, लेकिन जो मेन हमारा शाहगंज बाजार का जो मेन मुद्दा है उसमें भी हमारा बदलाव नहीं आया है, हमें कुछ नहीं मिल पाया है। शाहगंज बाजार में क्या दिक्कतें हैं? बस सड़कें नहीं बन पा रही हैं बाजार में। ठीक है, मैं देख रहा हूँ तो ठीक सड़क नहीं, मेन रोड जो है हमारी, मेन रोड पे काफ़ी तोड़फोड़ हो के और उसका भी विकास नहीं हो पाया, और बहुत सारे विकास जो हमारे शाहगंज में हमेशा से अपेक्षित रही है। क्या क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में यहाँ काम नहीं हुआ, क्योंकि देखिए सरकार बीजेपी की थी, सपा के विधायक थे, तो कैसे में काम काज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वही उसी में थोड़ी सी त्रुटि रह जाती है, जब जिसको हम लोग डबल इंजन का सरकार कहते हैं, अगर दोनों सरकार एक होती है तभी काम, अगर विधायक भी और सरकार एक जैसी हो तो काम अच्छा हो जाए। लेकिन योगी सरकार तो लगातार ये दावे करती है कि हमने बिना भेदभाव के जो है कामकाज किया। हाँ, ये तो हम मानते हैं कि उन्होंने बिना भेदभाव के काम किया है, तो काम आगे बढ़ा है, लेकिन फिर भी हम अपने और अपेक्षाएं जो है वो नहीं हो पाती हैं। काम हुआ है, भले ही बीजेपी के विधायक यहाँ पर नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार ने काम किया। भैया काम कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ रोड बना, जो हमारा SH5 रोड है, दुद्दी लुम्बिनी मार्ग, वो नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हुआ, प्लस उसे चौड़ी मतलब उसका रिपेयर हुआ। जिंदगी भर जौनपुर से लेके आपके कलान चौराहे तक रोड गड़बड़ रही है, पहली बार ऐसा हुआ कि उस रोड का निर्माण हुआ, और आज पिछले 5 सालों में हुआ। जी पिछले 5 सालों में हुआ, जो केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ, विधायक के प्रयासों से हुआ या सरकार की? मैं इसके लिए मतलब श्रेय जो है वो हमारे मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगा। विधायक का कोई श्रेय नहीं है उसमें? नहीं, विधायक जी हमारे पिछले विधायक जाहिर साल से हमारे विधायक जी हैं, मगर वो आप देख सकते हैं क्षेत्र में जाके कोई रोडें बहुत सी, मिल्लत नगर में चले जाइए देखिए, कोई सड़क नहीं, कोई नाली नहीं, जो विधायक क्षेत्र है परसीमन नहीं बढ़ने पाया। अगर शाहगंज का आज विकास रुका हुआ है, पिछले जमाने से इसका परसीमन नहीं बढ़ पा रहा है, बहुत सी चीज़ें ऐसे जिला नहीं हो पा रहा है जिन कारणों से। अगर देखिए कैसे जौनपुर जिले के अंतर्गत आती है, परिसीमन की आप बात कर रहे हैं, आप अगर आप देखना चाहें बगल में एक मार्टिनगंज बाजार है, बहुत छोटी सी बाजार है, उसे अभी जल्द तहसील 5 साल हो गया बना दिया गया है, और उससे 5 से 10 गुने बड़ा ये मार्केट शाहगंज है, ये तहसील। आपका कहना है कि काम हुआ है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे होने चाहिए, जैसे हमारे यहाँ बहुत जाम लगता है मेन रोड पे, अगर आप होके आए हो तो आप देखेंगे इतना जाम, बाईपास की समस्या आज तक नहीं सॉल्व हो पाई है, जिसके वजह से लोग जाम से त्रस्त। ट्रैफिक की समस्या आपके लिए बड़ा जी बहुत इम्पोर्टेंट। भाई साहब आप बताइए कि क्या लगता है कि 5 साल में कुछ बदलाव आ रहा है जनता की? अगर बात करूँ यहाँ के शाहगंज की जनता की, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, जब वोट करने जाएगी तो क्या जहन में रहेगा, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए हमारे शाहगंज के विधायक जी पिछले 3 बार से विधायक चुने जा रहे हैं, और सरकार, ये शाहगंज का दुर्भाग्य मैं कहूँगा कि जब भी सरकार बन रहे हैं, जो विधायक बनते हैं वो उनके अगेंस्ट जो है वो मुख्यमंत्री 12-17 में तो उन्हीं की सरकार थी, उस समय उन्होंने जिस हिसाब से हमको जो अपेक्षाएं थी उस हिसाब से काम तो शाहगंज की जनता को नहीं मिला। अभी मिला 12-17 से 12 से 17 के बीच में, जब हमारे शाहगंज में यहाँ पे केंद्र स्टेट में आपकी सपा की सरकार थी, जिस हिसाब से अपेक्षाएं थी लोगों की, हमारे माननीय विधायक जी चुन करके आए, दोबारा चुन करके आए, तो जो अपेक्षाएं थी लोगों की उस पर खरे नहीं उतरे हैं। हाँ, बिजली कुछ उन्होंने बेहतर देने का प्रयास किया, मगर हम इस गवर्नमेंट में और बेहतर तरीके से जो मुद्दा था, बात कर रहे हैं बिजली की, बात कर लेता हूँ। भाई साहब बिजली कैसी है ये बताइए, पहले कैसी थी और अब कैसी है? नहीं, पहले से काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर है, इस बार तो बहुत बेहतर है। हाँ, पहले कितना घंटा जाती थी? अगर 5 साल पहले की बात करें तो बिजली कब आती थी ये सोचना पड़ता था। ये पब्लिक है सब जानती है, बता रही है कि पहले सोचना पड़ता था कि बिजली कब आती थी, लेकिन अब बिजली आती है। जी जी जी,
बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। देखिए कह रहे हैं कि बिजली की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई है, कुछ और लोगों से बात करते हैं, आप बताइए आप क्या करते हैं? हम व्यवसाय करते हैं। जी, व्यवसाय ठीक चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है। जो व्यवसायी होते हैं उनको सबसे बड़ी चिंता होती है कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था कैसी? नहीं, कानून व्यवस्था योगी सरकार में बहुत बढ़िया है। जी, और बिजली वगैरह भी बहुत बढ़िया है। मायावती सरकार में यहाँ एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात हो गया था, जबकि सागंज नगर में 24 घंटा बिजली रहती थी। बाद में सपा की सरकार आई तो 6 घंटा, मायावती के राज में पूरी बिजली आती थी यहाँ पे 6 घंटा एक हफ्ता दिन, 6 घंटा एक हफ्ता रात। अच्छा, रोटेशन में। बाद में सपा की सरकार आई तो उन्होंने क्या कर दिया, 3 घंटा दिन 3 घंटा रात। क्या बाकी में बिजली की स्थिति पहले ऐसी थी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है भाई साहब ने कि वाकई यहाँ पे 8-10 साल पहले बहुत ही अच्छी, बहुत ही पुअर कंडीशन था यहाँ लाइट का। हम लोग सभी लोग बहुत परेशान। अभी सुधर गई है? हाँ, अभी तो काफ़ी सुधरी हुई है, बहुत 99% सुधरी हुई है बिजली की स्थिति, सुधर गई है। छात्रा है कुछ यहाँ पर, है इनसे बात करते हैं। शिक्षा की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? आप कॉलेज में, स्कूल में? कॉलेज में। कॉलेज वगैरह ठीक है इधर के? जी Yes. और स्कूल से आप पास आउट यहीं पर, यहीं पढ़ती थी पहले या कहीं और? जी, सेंट थॉमस इंटर कॉलेज। स्कूल वगैरह ठीक है यहाँ के? जी, सरकारी स्कूल की बात करूँ, प्राइवेट नहीं, सरकारी? सरकारी, सेंट थॉमस इंटर कॉलेज से पढ़े हैं, गवर्नमेंट। अच्छा, तो सरकारी का? या। तो पढ़ाई वगैरह अच्छी होती थी? हाँ, अच्छी होती थी। तो अभी पिछले 5 साल में कुछ नए स्कूल कॉलेज खुले हैं यहाँ पे शाहगंज में? अभी तो कोविड की वजह से तो बंद चल रहे थे, तो अभी तो खुले हैं तो अच्छा ही चल रहा है। अब दोबारा से खुल गए हैं? चाहती हूँ हम आपके इसके माध्यम से शिक्षा के लिए कहना चाहती हूँ कि जो ये हमारा कोविड काल चला गया, मैं विद्यालय चलाती हूँ, विद्यालय की संचालिका हूँ, और जिसमें कि मैंने यही देखा कि शिक्षा पे हम लोगों को ज़रूर, हमारे सरकार को ये सोचना चाहिए था कि जैसे सारी चीज़ खुले प्रोटोकॉल के तहत, हमारी शिक्षा को भी एकदम ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, प्रोटोकॉल के तहत खोलना चाहिए। इस प्रोटोकॉल अगर ये नहीं खुला, इसकी वजह से हम एक पीढ़ी पीछे चले गए। कि क्या लगता है कि बदलाव वगैरह कुछ नज़र आया 5 सालों में इधर? इधर 5 सालों में नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि 20 सालों की बात की जाए। यहाँ पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं, योगी सरकार के शासनकाल की बात कर रहे हैं। पिछले सरकारों ने क्या किया हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार नहीं चुन के आई थी, अब दोबारा से चुनाव आए हैं तो हम की पब्लिक है, सब जानती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिन मुद्दों के लिए हमने योगी सरकार चुनी थी, कहीं पर भी योगी सरकार जो है हम लोगों के लिए खड़ी नहीं हुई है। क्या मुद्दे रहे आपके जो आपको लगता है कि नहीं खड़ी उतरी? जैसे एक करोड़ों रोजगार की बात थी। सर, यहाँ की बात करो ना, पूरे उत्तर प्रदेश की बात मत करो ना, शाहगंज की बात करो। तो शाहगंज में रिंग रोड की मांग थी, कहाँ पूरी हुई? नहीं हुई। चौड़ीकरण की मांग थी, कहाँ पूरी हुई? तो कह रहे सड़कें उड़के अच्छी हो गई हैं। भाई, ये नगर के रहने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ चेयरमैन है। देखिए, हम किसी पार्टी पर नहीं जा रहे हैं, आसपास कोई विकास नहीं हुआ। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, हम तो ये जानने निकले हैं यहाँ नगर के चेयरमैन द्वारा अगर नगर का विकास नहीं किया गया, ये सब के सब नगरवासी खड़े हैं, फिर भी अगर तरफ दारी कर रहे हैं तो धन्यवाद मैं इनको करता हूं। लेकिन मैं अगर गांव देहातों की बात करते हैं, मैं देहात का रहने वाला हूं, मेरे यहां विधायक जो समाजवादी पार्टी के हैं, शैलेंद्र यादव ललई जी हैं, अभी भाई ने कहा उन्होंने कुछ नहीं किया, बताइए। मैं बता रहा हूं, उन्होंने 2 काम किए हैं, और देने का भी काम किया है, करने का काम किया है। उन्होंने अपमान किया है, देने में उन्होंने गालियाँ दी हैं, इसके अलावा और क्या चाहिए जनता को? देने का काम उन्होंने गालियाँ दी हैं और करने में उन्होंने अपमान किया है, काम नहीं किया है। अरे भैया, इससे बड़ा काम आप क्या लेंगे एक नेता से? आप इससे बड़ा काम भी एक नेता का है क्या? आज के लोकतंत्र में जिस तरीके से गालीबाज नेता पैदा हो रहे हैं, क्या भाषा बोल जाएं, कौन सी मर्यादा सीख के आए हैं राजनीति की पाठशाला में, कुछ समझ नहीं आता। मतलब आप क्या 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 मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, विकास गाँवों में हुआ कि नहीं हुआ है? गोल मत घुमाइए, देखिए। नहीं, मैं गोल नहीं, स्पष्ट बोलिए। मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ, गांव में विकास नहीं, बिल्कुल कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो चाहे गांव हो, हाँ, बाकी जो जिस जो विधायक थे उनका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं है, एक तरह से एकदम अच्छा नहीं है, एकदम अच्छा नहीं है उनका। 3 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं, फिर वो कैसे जीतते आ रहे हैं? अगर 3 बार का विधायक जीता हुआ अच्छा व्यवहार नहीं रखेगा तो फिर समीकरण उनके पक्ष में रहता था, इस बार नहीं है, नहीं जीतेंगे, कुछ काम नहीं किए हैं, जनता उनको एकदम नकार चुकी है। जी, गाली सुनने को मिल गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी विचारधारा ही बहुत गलत है सागंज के प्रति। और आप जान लीजिए कि 403 जितने भी विधायक है पूरे उत्तर प्रदेश में, सबसे बदतर, सबसे निष्क्रिय विधायक है हमारे सागंज के शैलेंद्र यादव ललई जी, और उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। आप देख लिए, यहाँ चिरैया मोड़ से लेके जो रास्ता गया है यहाँ बड़ा गाँव तक,
उधर से रास्ता सबसे खराब है, जो कि बांस से रास्ता गया तरडीहा तक, उससे खराब रास्ता कोई नहीं है। सागर रास्ते उससे कुछ नहीं, कुछ नहीं, उनका विकास का कोई मतलब ही नहीं। विधायक को लेकर बहुत नाराजगी है, इनका कहना है कि एक तो व्यवहार अच्छा नहीं है उनका, दूसरा ये कि वो जनता के बीच में आते ही नहीं, और जाते हैं तो जो उनका जो बोलचाल का लहजा है वो अच्छा नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर जुड़े हैं हमारे साथ। भाई साहब, आपसे बात करना चाहूँगा, ये बात कह रहे हैं कि विधायक साहब जो हैं थोड़े से जनता से अच्छे से मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, क्या ऐसा है? ये व्यक्तिगत नेचर होता है लोगों का और व्यक्तिगत व्यवहार होता है। मेरा परिचय जान लीजिए, डॉक्टर तारिक शेख। अब ठीक है तारिक जी, अच्छी बात है, मुझे हम तो जनता से बात कर रहे हैं। देखिए, विधायक की बात आई तो मैंने इसलिए आपसे सवाल, विधायक को क्या वाकई में नहीं है? हम लोग कब अपने मुद्दों को लेकर गए कभी, तो पूरा सम्मान दिया उन्होंने, यहाँ के चिकित्सकों की उन्होंने बात सुनी, जिले पर अधिकारियों के हिसाब से काम किया उन्होंने, जी बात सुना भी है। क्यों भैया ऐसे जब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं? मेरा नाम धनंजय यादव है। यहाँ के विधायक पूरे प्रदेश में ऐसे पहले विधायक हैं जिनको बोलने का ढंग नहीं है। हाँ, पूरे प्रदेश में पहला स्थान सागंज का ऐसा है जहाँ का विधायक इस तरह का चुना गया है जिसको बोलने का ढंग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार सागंज की जनता परिवर्तन करेगी और यहाँ से चुनाव, यहाँ से जो है माननीय इंद्रदेव यादव चुनाव जीतेंगे, चाहे कोई जीते हम उसको बात नहीं जानते। तो हाँ जी बिल्कुल, देखिए विकास के लिए वाकई में जनता ने बहुत मौका दिया, 10 साल से लगातार है नदी की चौथा, ये चौथी बार जी, चौथा टर्म इनका है, मगर विकास से कोसों दूर है। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने किया, विकास तो अलग बात है, एक समाजवाद होता है, समाजवादी पार्टी से है, इन्होंने भाई बंधु को पड़ोसी से लड़ाने का काम किया जो कि बहुत गलत हुआ, और विकास से इनका कोई नाता ही नहीं है। इन्होंने अपना विकास किया, पहले जिप्सी में चलते थे, आज करोड़ों की प्रॉपर्टी इनके पास है, इन्होंने अपना विकास जी 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 बिल्कुल। तो शहर के लोगों को सुविधा मिल पा रही है क्योंकि योगी सरकार कहती है कि हमने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है। आप महिला हैं, लगता है कानून व्यवस्था पहले से अच्छी हुई? बहुत बढ़िया हो गई है कानून व्यवस्था, बहुत बढ़िया हो गई है जी। और क्या आपको लगता है कि सरकार ने ये कामकाज किए हैं? जी हाँ, सरकार बहुत बढ़िया काम की है, इनके लिए बहुत अच्छा काम किया है। राशन उशन मिलता है? हाँ हाँ, राशन उशन मिलता है, मिल जाता है। हाँ, और जो मकान उकान सरकार देती है वो भी मिला है? हाँ, नहीं मिला, नहीं मिला है, मिला, मिला है, है। हाँ मिला है हमको। हाँ, कहाँ रहती हैं आप? हम यही सागंज में रहते हैं। सागंज में थोड़ी मिल जाएगा मकान आपको? नहीं, गांव में मिला है ना। अच्छा, गांव में? हाँ, गांव में मकान। यहाँ आप जॉब करने आती हैं? हाँ, यहाँ हम जॉब करते हैं, पूनम लेडीज ब्यूटी पार्लर के हैं। हाँ, लेकिन गांव में मकान मिला है? हाँ, गांव में मकान मिला है। देखिए, ये शहर में ब्यूटी पार्लर में काम करने आती हैं, लेकिन इनके जहाँ गांव से आती हैं वहाँ किसको मकान मिला, अच्छे बताइए? रेखा मौर्य। आपको मिला है? नहीं, अपनी मम्मी का नाम, मेरे आपकी मदद। हाँ, इनकी माता जी के नाम पे इनको मकान मिला है। आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी। क्या करती हैं? मैं ब्यूटीशियन सीख रही हूँ अभी, ब्यूटीशियन। ब्यूटीशियन है, तो ये बताइए कि जब कॉलेज में थी, स्कूल में थी, आपकी व्यवस्था ठीक थी? हाँ जी बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल। टीचर वगैरह सब टाइम पे आते हैं? बिल्कुल। मैं अपना व्यवसाय करता हूँ और यहाँ से इंडिपेंडेंट पार्षद भी हूँ। अच्छा, अरे पार्षद हैं आप? जी हाँ। देखिए, ये पार्षद साहब यहाँ पर आए हैं, हम हालांकि नेताओं से बचते हैं लेकिन जब आ गए हैं तो बात करेंगे। आप इंडिपेंडेंट हैं, चलिए अच्छी बात है, जीत का यानी कि आपका इनका कोई यहाँ पे स्टेटस रहा होगा। आपको लगता है कि कामकाज कुछ किए हैं? नहीं, कामकाज निश्चित रूप से, यहाँ पर प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं का लाभ नगर पालिका के अध्यक्ष के द्वारा और यहाँ के नेताओं के द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास की अगर बात की जाए तो सागर नगर पालिका के अंतर्गत तकरीबन 2100 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है, शौचालय दिया गया है, हर घर नल योजना के अंतर्गत हर घर तक नल जल की योजना दी गई है। और तो और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से यहाँ सबसे बड़ा बेरोजगारी का अगर मुद्दा आया तो पूर्व की बसपा सरकार द्वारा चीनी मिल को जो बेचा गया कौड़ियों के भाव, ये चीनी मिल, चीनी मिलती पहले। हाँ, मैं बता दूं आपको, आपकी जानकारी के लिए आपके चैनल को प्रेरित, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं निश्चित रूप से बताऊँ, यहाँ की सबसे बड़ी बेरोजगारी का अगर मुद्दा है तो वो है चीनी मिल। अगर यहाँ चीनी मिल बंद नहीं होती, कौड़ियों के भाव बेचा गया जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता है, व्यवसायियों का बहुत बड़ा रोजगार का माध्यम था यहाँ की चीनी मिल। तो ये बताओ, इधर जो इतने युवक वगैरह हैं, नौकरी वोकरी मिल जाती है उनको, मिलते का कुछ सरकार ने व्यवस्था की है? नहीं, पढ़ाई वगैरह भी कहाँ अच्छी हो रही, 2 साल से तो घर ही बैठे कहाँ पढ़ रहे हैं अभी सब, तो पढ़ाई खराब हो रही है अभी सब एकदम खराब हो रही है। क्या पढ़ाई करते हो? 12th पास आउट हुए यही लॉकडाउन में। अच्छा, 12th पास अभी बीबीए कर रहे हैं, करेंगे, बीबीए कर रहे हो। तो आपके और साथी वगैरह भी होंगे, तो रोजगार वगैरह मिल जाता है उनको? नहीं, वगैरह सब कहाँ, अभी कोई जॉब नहीं है, सब पढ़ रहे हैं, सब अभी पढ़ रहे हैं जी। और पढ़ाई वगैरह ठीक है इधर की? हाँ, इधर की ठीक है, कॉलेज वगैरह? हाँ, सब सही है।
देखिए स्कूल कॉलेज वगैरह यहाँ पर ठीक हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है यहाँ की, अगर शाहगंज की बात करें, अस्पताल वगैरह ठीक है? नहीं, यहाँ अस्पताल तो नहीं ठीक है। महिला अस्पताल पड़ा हुआ, उसी तरह खंडहर पड़ा हुआ है। 20 सालों में कोई काम नहीं हुआ। हमारे विधायक जी कोई भी काम नहीं किए हैं अस्पतालों के। नया अस्पताल वगैरह भी नहीं, कुछ भी नया अस्पताल एकदम नहीं बना। शाहगंज मतलब अव्यवस्था का शिकार है इस समय अस्पतालों के बारे में। कोई व्यवस्था नहीं हुआ, कुछ नहीं है। अव्यवस्था फैली हुई है अस्पतालों की, पूर्ण अव्यवस्था यहाँ की। यहाँ का सारा सिस्टम ही जर्जर हो चुका है। नगर पालिका के अंदर चेयरमैन द्वारा जो भी कुछ होता होता, बाहर तो ग्राम सभा में कुछ नहीं होता। क्योंकि हमारे भाई साहब, हमारे इस समय वर्तमान विधायक जो हैं, ये 4 बार से विधायक रहे, इनके अंदर ब्लॉक प्रमुख भी इनके घर के परिवार के रहे, ना तो कोई ग्राम विकास कर पाए, ना कोई सारे जितने पद होते थे क्षेत्र के सब अपने दे दिए। देख लीजिए सब जर्जर रहा एकदम। अब परिवर्तन, 42 साल प्रमुख रहे इनके घर से जी, तब भी कुछ नहीं हुआ। सपा सरकार में क्या होता था, व्यापारियों का शोषण, पैसा जमा करने बैंक जाओ तो पता चला कोई वहां मार दिया, कोई वहां छिनैती हो गया। सपा अब अभी भी वही स्थिति है, अभी एकदम ये समझिए गुंडा माफिया एकदम अंदर है, या तो फिर विधायक तो वही है। विधायक भैया जाति समीकरण के हिसाब से जीत जाते हैं, लेकिन इस बार इस सरकार में नहीं कर हो पाया एकदम नहीं। अब की एकदम यहाँ से माननीय योगी जी जीतेंगे बम्पर वोटों से। माननीय योगी जीतेंगे ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक से हमने बात की है शाहगंज की, और जानना चाहा है क्या उनके मुद्दे रहने वाले हैं। तो उनका कहना है कि बदलाव के मूड में जनता यहाँ की नज़र आ रही है शाहगंज की। हालांकि हम शहरी क्षेत्र में इस वक्त आए हैं, लेकिन कुछ लोग गाँव के देहात के भी, तो उनका कहना है कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए हैं। अगर विकास हुआ है तो यहाँ के विधायक थे जो पिछले 3 बार से विधायक बनते आए हैं, उनका विकास हुआ है। कुल मिलाकर पब्लिक ने अपनी राय रखी है और बताया है हमको कि शायद जब वोटिंग पड़ेगी तो उनके ध्यान में हर वो मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ विकास कार्य ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जब वोटिंग होगी, रिजल्ट आएगा, क्या सपा दोबारा से जीत कर आती है या फिर यहाँ पर कमल खिलता है। कैमरामैन दिनेश दिवंगन के साथ जिंदर चौहान, इंडिया TV, जौनपुर शाहगंज।